नमस्ते दोस्तों एच एच बी टी मकैनिकल इंजीनियरिंग चैनल पर आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपके लिए बेसिक इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग जो सब्जेक्ट है उसके टेन मार्क क्वेश्चन है एक कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल एंड वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर ये सौ परसेंट आने वाला क्वेश्चन है ये हर बार हर सेट में आपको देखने के लिए मिलेगा तो यदि चैनल पर न्यू हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल का नाम है एच एच बी टी मकैनिकल इंजीनियरिंग और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट्स जरूर कर दिया करो अब देखिए मैं इस क्वेश्चन को आपको समझा रहा हूँ तो देखिए कितना लेंथ और कितना सिंपल क्वेश्चन है लेकिन इसको याद करना आप ये इम्पोर्टेंट है ये हर बार आपको देखने को मिलेगा तो देखिए कंस्ट्रक्शन प्रिंसिपल वर्किंग ऑफ ट्रांसफार्मर प्रिंसिपल देखो ट्रांसफार्मर क्या होता है इट इज ए डिवाइस विच इज़ स्टेप अप एंड स्टेप डाउन दोल्टेज ये वोल्टेज का साइन होता है इज़ नॉन एज ट्रांसफार्मर ट्रांसफार्मर एक यंत्र है जो स्टेप अप एंड स्टेप डाउन करता है वोल्टेज का उसे ट्रांसफार्मर कहते हैं वर्किंग क्या है दी मेन पार्ट ऑफ ट्रांसफार्मर जो मुख्य भाग हैं ट्रांसफार्मर के कौन कौन से मैग्नेटिक कोर प्राइमरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग इंसुलेशन टर्मिनल बुशिंग ऑयल टैंक्स कंजर्वेशन टैंक और कूलिंग ट्यूब अब देखिए मैग्नेटिक कोर मैग्नेटिक कोर क्या होता है जो होल्ड प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग प्राइमरी और सेकेंड वाइंडिंग को होल्ड करके कर रखता है प्रोवाइड इजी पाथ फॉर मैग्नेटिक फ्लक्स मैग्नेटिक फ्लक्स के लिए उसे इजी पाथ प्रोवाइड करता है प्राइमरी वाइंडिंग प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड टू सप्लाई जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो सप्लाई से कनेक्ट होती है और जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो लोड से कनेक्ट होती है इन बात को ध्यान रखना एक नंबर के मार्क में ज़रूर आता है क्वेश्चन की प्राइमरी वाइंडिंग किससे कनेक्ट होती है तो सप्लाई से तो प्राइमरी वाइंडिंग कनेक्टेड टू सप्लाई फोर स्टेप ऑफ प्राइमरी वाइंडिंग इज लो वोल्टेज लो वोल्टेज फोर स्टेप डाउन दी प्राइमरी वाइंडिंग इज मोर वोल्टेज स्टेप अप के लिए प्राइमरी वाइंडिंग कम है और स्टेप डाउन के लिए प्राइमरी वाइंडिंग मोर है अब सेकेंडरी वाइंडिंग सेकेंडरी वाइंडिंग कनेक्टेड टू लोड ये मैंने भी बताया था ये वन मार्क में आता है कि जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो सप्लाई से कनेक्ट है और सेकेंडरी वाइंडिंग लोड से कनेक्ट है फोर स्टेप अप सेकेंडरी वाइंडिंग इज मोर स्टेप अप के लिए जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो ज़्यादा है वाइल्ड स्टेप डाउन प्राइमरी वाइंडिंग इज लो जबकि स्टेप डाउन के लिए जो प्राइमरी वाइंडिंग है वो कम है अब इंसुलेशन इट इज़ यूज फॉर कूलिंग पर्पज़ इंसुलेशन मतलब किसी चीज़ पर लपेटना तो वो क्या प्रोवाइड करता है हमें कूलिंग पर्पज़ ये कूलिंग के परपज़ से हम इस्तेमाल करते हैं प्रोवाइड बिटवीन कोर एंड वाइंडिंग कोर और वाइंडिंग के बीच में प्रोवाइड होता है इंसुलेशन टर्मिनल टर्मनल कनेक्टेड वाइंडिंग फ्रॉम सप्लाई एंड लोड टर्मिनल होता है वो वाइंडिंग को सप्लाई और लोड से कनेक्ट करता है ऑयल टैंक इट इज़ यूज फॉर कूलिंग परपज़ ऑयल टैंक और इंसुलेशन ही कूलिंग परपज़ के इस्तेमाल होते हैं इंक्रीज एरिया बाय कूलिंग ट्यूब अराउंड टैंक कूलिंग ट्यूब के द्वारा वो टैंक में एरिया को इंक्रीज़ कर देता है कंजर्वेशन टैंक इट इज़ प्रोवाइड एज टॉपअप टैंक ये टैंक में ऊपर की तरफ प्रोवाइड होता है ऑयल गेट एक्सपेंडिंग ऑन हीटिंग जब हीट हो जाती है तो ऑयल उसमें फैल जाता है ठंडा करने के लिए सम एम्प्टी स्पेस इज़ प्रोवाइड इन कंजर्वेशन टैंक और कंजर्वेशन टैंक में कुछ अलग से स्पेस भी कुछ स्पेस भी उसमें प्रोवाइड होता है अब देखिए कूलिंग ट्यूब दीज आर प्रोवाइड अराउंड द टैंक टू इंक्रीज एरिया ऑफ टैंक इज कनेक्टेड विद एयर जो कूलिंग ट्यूब होती है वो प्रोवाइड होती है अराउंड द टैंक टैंक के आसपास इंक्रीज एरिया ऑफ टैंक इन कॉन्टैक्ट व एयर एयर में आके उसके एरिया को बढ़ा देता है अब देखिए ये ऐसे कंप्यूटर की तरह का होता है देखने में स्क्वायर सा ये प्राइमरी वाइंडिंग हो जाएगी ये सेकेंडरी वाइंडिंग जो प्राइमरी वाइंडिंग वो सप्लाई से कनेक्ट होती है जो सेकेंडरी वाइंडिंग है वो लोड से कनेक्ट होती है ये कोर हो गया ये मैग्नेटिक फ्लक्स हो गई जो ये इस चल रहे हैं और ये इसकी कंस्ट्रक्शन है ये टेन मार्क में ज़रूर आएगा चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लियो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दिया करो दोस्तों धन्यवाद